सामने से हमला करेगा शैतान। क्या मेरे नबी ने क्या हमला है सामने, क्या है? आखरत। 2.5 अरब इंसान है जो कहते हैं आखरत है। अरब दो 2.5 अरब इंसान है जो कहते हैं आखरत है, पर हमें हमारा नबी बख्शवा देगा, हम जो मर्जी करें। ईसाई कहते हैं हमें ईसा अलैहिस्सलाम बख्शवा लें, यहूदी कहते हैं हमें मूसा अलैहिस्सलाम बख्शवा लें, बाकी मजाहब वाले भी यही कहते हैं हमें बुधा बख्शवा लेगा, हमें राम बख्शवा लेगा, हम जो मर्जी करें। ठीक है, तो 2.25 अरब मुसलमान बचते हैं जो कहते हैं आखरत है, उन पे वार क्या करता है? अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, माफी हो जाएगी। लिहाजा सूद भी हलाल, जिना भी, शराब भी, झूठ भी, जुआ भी, खोद भी, धोखा भी, फ्रॉड भी, कत्ल भी, चोरी भी, डाके भी, खयानत भी, रिश्वत भी, माँ बाप की ना फरमाने भी, शादियां करके जिना भी, ये सारी चीजों पर वो कैसे लेकर आए? अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, माफ कर देगा। आखिरत है इंशाल्लाह तौबा करेंगे, अभी बड़ा वक्त पड़ा है, तौबा करेंगे। ये उनको आखिरत का इनकार नहीं करवा सका तो इसमें डाल दिया, गुनाहों में डाल के अल्लाह बड़ा गफूर रहीम। मैंने कहा फिर तो हुसैन और यजीद का झगड़ा ही मिट गया, तुम कैसे जालिम हो, हुसैन और यजीद को एक ही तख्त पर बिठा दो, तुम मेरे नबी की औलाद के कातिल और मक्तूल को एक ही तख्त पर बिठा दो, क्या जुल्म करते, क्यों मेरे नबी के नवासे ने जाने कुर्बान कर दी, बच्चे सजा करवा दी, सौखा क्यों मेरे पुत्र दी बांध रोटी मेरे को लुदी, हाले हाल नहीं सुनेगी, मैं बाहर दौड़ गया और मेरे नबी के नवासे के सामने नस्ल जबा हो रही है। अगर शराब और शरबत में फर्क नहीं है, जिना और निकाह में फर्क नहीं है, हलाल और हराम में फर्क नहीं है, झूठ और सच में अगर फर्क नहीं है, नाप तोल में कमी और तराजू के सही तोल में फर्क नहीं है, जुल्म और इंसाफ में फर्क नहीं है, मोहब्बत और नफरत में फर्क नहीं है, तो फिर करबलाएं वाले क्या थे? नादान थे। करबला तो एक नहीं है, कितनी करबलाएं हैं, वो बहुत बड़ी थी। उसके बाद हर वो मजमा औरत या मर्द, अफराद या बच्चा जो अल्लाह के नाम पे अपनी जान के नजराने पेश कर गया और जालिमों के जुल्म का शिकार हुआ, ये सब करबला के साथ, ये सब हुसैनी काफिले के साथ। और खुशखबरी हो जिन्होंने जुल्म करना अपनी ताकत समझा, जिन्होंने जिना को अपनी अय्याशी बनाया, जिन्होंने माँ बाप के गरेबान पकड़े, जिन्होंने सूद के बाजार गर्म किए, जिन्होंने फहाशी के अड्डे चलाए, जिन्होंने शराब के अड्डे चलाए, जिन्होंने नाफरमानी के बाजार गर्म किए, खुशखबरी हो तुम भी शिमर के लश्कर के साथ खड़े हो गए, तुम भी शिमर के साथ इख्तियार कर लो किस कैसी मौत चाहते हो, किसके साथ खड़े होना चाहते हो, हुसैनी काफिले के साथ, नबी के झंडे के तले या शिमर के झंडे के तले कहाँ खड़ा होना चाहते हो? इस चंद रोजा मिट जाने वाली जिंदगी में मल हयात दुनिया इल्ला मताउ गुरूर لعب ولهب وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور धोखे का घर, मच्छर का घर, मकड़ी का जाला, कसराबिन बिकियतिन यहसबुहु ज़मआनु माआ, रेत में पानी नजर आता है, पानी नहीं है, धोखा है। इस धोखे के पीछे कौन सा सौदा उम्मत करती है? फैसला कर। हाँ, शैतान का पहला हमला आखरत कोई नहीं हमने कहा है, तो फिर दूसरा हमला पीछे से हमला क्या है? दुनिया इतनी खूबसूरत करके दिखाएगा दुनिया पीछे कि जन्नत याद ही नहीं रहे, कहेगा यही जन्नत है, गुलिस्तान का लो गंदा नाला तो नाल ना गुलिस्तान का लो, पता नहीं क्यों जो बेवकूफ है जिन्हें तो ना गुलिस्तान का लो नहीं रखे, बीच गंदा नाला गुजर रहा है ना गुलिस्तान, अखियां हैं कोई नहीं तो नाम चराग शाह, खोते दा मालिक कोई नहीं तो ना सवार शाह, शादी हो ही नहीं थे ना औलाद शाह, गुलिस्तान में जो
جوہر بھرے پڑے اور نام گلستان کا لولی, پیچھے سے حملہ کروں گا. وہ کیا ہے؟ کیونکہ دنیا بڑی خوبصورت ہے, اس میں پھنسا پھنسا تو بہت سے اس میں پھنس جائیں گے. آخرت ہے, اللہ غفور الرحیم ہے, آپ پہ لکھی جیسے. اور دنیا میں الٹے ہاتھ سے حملہ کروں گا, وہ کیا ہے؟ زنا, شراب, چوری, ڈاکہ. ادھر الٹا اس ہاتھ پہ گناہوں والا فرشتہ بیٹھا ہے, گناہ لکھنے والا, گناہوں والا نہیں, گناہ لکھنے والا فرشتہ. تو چوری, ڈاکے, ظلم, ستم, برائیاں, ایک پوری لائن, کتنا بڑا مجمع اس میں چلا گیا ہے. ادھر سے حملہ کروں گا, ادھر کیا ہے؟ نیکیوں کا فرشتہ. ایک طبقہ ہوگا جو آخرت کو نہیں بھلائے گا, جو دنیا کے چکر میں نہیں آئے گا, جو شراب زنا کے چکر میں نہیں آئے گا, جو سود جھوٹ میں نہیں آئے گا, وہ نیک پاک ہوں گے. ان کو کیسے چکر دے گا؟ انہیں نیکی کے تکبر میں پھنسائے گا. یہ پہلی سجدہ نماز جڑن, ان کو وہ زنا کی دعوت نہیں دے گا, جھوٹ بولنے کی دعوت نہیں دے گا, ان کو نیکی کے تکبر کی مار دے گا. یہ ساری آنکھیں اوروں پہ ان کو لگوا دے گا, وہ ایسا اور میں اللہ کا فضل ہے, ہم تو اللہ کے فضل سے, اور وہ تو ایسے اور ہم تو اللہ کے فضل سے, ان کے بچے ایسے ہمارے بچے اللہ کے فضل سے. ان کو نہیں پتا یہ نیکی کے تکبر میں پھنس چکے.